Listening to the beats and the funky, funky rhymes. चलिए स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को हम बहुत ही एक खूबसूरत कॉन्सेप्ट सिखाते हैं कि जो कूलम्ब बल होता है उस पर माध्यम का क्या प्रभाव पड़ता है। इस पर हम लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको आज का यह जो वीडियो देखिएगा तो आपको ऐसे सवाल में मैं चैलेंज करता हूँ कि कभी भी दिक्कत नहीं होगा और आप आसानी से बना लीजिएगा। चलिए, मैं दर्शन सर आप लोगों को आज सिखाता हूँ कि कूलम्ब बल पर माध्यम का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले तो आपसे मैं यह सवाल पूछना चाहूँगा कि बताइए कि अगर दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 अगर r दूरी पर हवा में या आप कह सकते हैं निर्वात में, तब यहाँ पर हम लोग हवा का ही ज़्यादा यूज़ करेंगे या वायु का यूज़ करेंगे, हवा निर्वात में रखे गए हैं, तो इनके बीच जो अगर विद्युत बल लग रहा है, मान लो कि यहाँ पर विद्युत विकर्षण ही लग रहा है, तो जो विद्युत बल F है हवा में वह कितना होता है। तो आप इसका सिंपल सा हमको जवाब दोगे कि सर F जो हवा में होता है वो बराबर होता है इसके, तो 1/4πε0 Q1 Q2 अबटा में r2। बिल्कुल। चलिए अब फिर हम आपसे पूछेंगे कि यदि दोनों बिंदु आवेश जो r दूरी पर हवा में रखे गए थे, अब उसको एक माध्यम में रख देते हैं, तो माध्यम का एक बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी होता था पारावैद्युतांक, उसको कैपिटल K से सूचित करते थे, बड़ी K से या एप्सिलॉन R से, और एप्सिलॉन R को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता। याद आ रहा है? यस सर, याद आ रहा है, ठीक है ना। अब के को कहते हम लोग पारावैद्युतांक। अब पारावैद्युतांक के बारे में हम लोग संधारित्र में के पहले जस्ट पढ़ाएंगे तो लोग को। तो अब बताओ कि अब इसके बीच जो एफ माध्यम में है वह सर कितना हो जाएगा, जो बल है अब माध्यम में रखते हैं क्या हो जाएगा, बदल जाएगा क्यों ही रहेगा, तो सर बदल जाता है। तो याद रखिए कभी भी कि जो एफ माध्यम में होता है वह अगर दोनों आवेश Q1 Q2 को उतनी ही r दूरी पर रखे गए हैं तो यह एफ हवा की तुलना में इसका मान क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और जो मान ये कम हो जाता है तो उसको परिभाषित करने के लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं पारावैद्युतांक, माध्यम के पारावैद्युतांक, और ये जो k होता है वो बराबर होता है एफ हवा में या निर्वात में या बटा में एफ क्या होता है, माध्यम में। इसको हम लोग माध्यम के सापेक्ष में एप्सिलॉन r भी कहते हैं। तो इस तरह से आपको जो एफ माध्यम में जो बल हो जाता है वह आपको बराबर हो जाएगा एफ हवा में अबटा में के। और यहां से आप लोगों को एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछ देता है कि दो बिंदु आवेश पहले हवा में रखे गए थे, उसके बाद उन लोगों को एक माध्यम में रख दिया जाए जिसका परिवर्तन के है, तो दोनों का हवा में जो विद्युत बल है और माध्यम में जो विद्युत बल है उसका अनुपात क्या हो जाएगा, तो अनुपात कितना हो जाएगा बताओ, तो के बटा में एक, यानी के अनुपात एक। ऐसा आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है या पूछा जाता है ट्वेल्थ में, या ट्वेल्थ के एग्जाम में खूब पूछा जाता है, छोटे छोटे परीक्षा में पूछा जाएगा।
और यह बात दिमाग रखें जो के होता है वो क्या आ जाएगा, तो मात्रकहीन और विमाहीन होता है, और के का मान हमेशा वन से क्या होता है, बड़ा होता है। इस के बारे में जानना चाहते हैं तो याद रखना के का मान वन से हमेशा बड़ा होता है और यह मात्रकहीन तथा विमाहीन होता है। मात्रकहीन कैसे हो गया, देखिए ऊपर ही बल नीचे भी बल, न्यूटन न्यूटन कैंसिल, और विमाहीन तो दोनों जो बल का और बल का आप विमा रखोगे समान होगा, कैंसिल करके वन हो जाएगा। और के कमन वन से अधिक क्यों हुआ, तो माध्यम में जो बल है हवा की तुलना में क्या होता है घट जाता है, तो कम से अगर अधिक में भागा देंगे तो वन से क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा, तो के बारे में याद रखना होगा आपको। तो इस तरह से यह जो कंसेप्ट है आप यह पहले से सीखे हो, यह हम आपको बताए हुए हैं। आज क्या सीखेंगे, तो देखो आज हम लोग सीखेंगे कि अगर दो बिंदु आवेश जो r दूरी पर हवा या निर्वात में रखे गए हैं उनके बीच अगर कोई हम लोग माध्यम डाल दें, पूरे में माध्यम ना डाल के कुछ ही उसके थिकनेस में डाले माध्यम, तो सर इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको आप लोग उतार लो। आज कंसेप्ट दर्शन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की अब चर्चा शुरू करते हैं कि यदि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से अगर r दूरी पर हवा में रखे गए हैं, अब उनके बीच हवा को हटाकर पूरा माध्यम न करके हम सिर्फ और सिर्फ उसके कुछ ही भाग में माध्यम रख दें, और इस माध्यम की कुछ मोटाई कितनी है t है, और इस माध्यम का जो परावैद्युतांक है या इसकी जो सापेक्षिक विद्युतशीलता है वह कितनी है, कुछ के है, बड़ी के। इस केस से आपको कन्फ्यूज नहीं होना होगा, 1/4 ε0 या के दूसरा वो दूसरा के है, हम लोग यहाँ पर के यानी यह ε r के जगह पर लिखा जाता है। आपको क्वेश्चन में दो ही चीज़ देगा, या तो के देगा या ε r देगा। के देगा तो माध्यम का परावैद्युतांक देता है, और ε r कहते हैं माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता। तब होता है कि सर अब ये जो हमारे बिंदु आवेश हैं इनके बीच का जो विद्युत बल हो जाएगा, अब F जो है वह सर क्या होगा, अब दो बिंदु आवेश के बीच विद्युत बल क्या होगा, तो अब ये जो विद्युत बल होगा F वह क्या होगा। तो देखिए अब इसको लिखने का एकदम सिंपल से है, जो विद्युत बल है F बराबर वह सिंपल होता है 1/4 πε0। दो आवेश है, दोनों आवेशों को यहाँ पर परिमाण लिखते हैं, तो आप इनका परिमाण ले लो आप बटा में। अब बताइए पहले हवा में दूरी कितनी थी r, अब आपने कितना माध्यम में t, तो इसका मतलब हवा अब कितना में बच गया, तो हवा बच गया आपको r में से t घटा लेते हैं। अरे पहले हवा में दूरी थी r, अब t थिकनेस का माध्यम उसके बीच में डाल दिया, तो अब हवा कितना में रह गया था r-t, अब प्लस। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यह जो हम लोगों को t मोटाई का माध्यम है k परावैद्युतांक का, इसको अगर हटा के अगर इसके जगह पर हवा रहता है, तो हवा में यह समतुल्य कितने की दूरी के बराबर होता है, तो हवा में यह जो समतुल्य दूरी होता है वह बराबर होता है माध्यम का परावैद्युतांक का वर्गमूल गुना माध्यम की दूरी, माध्यम की थिकनेस। और इसके बाद यह पूरा का पूरा हम लोगों को हवा या निर्वात के लिए दूरी हो जाती है, और इसके बाद कितना होता है स्क्वायर। अब इतना लिखते ही आप सोच रहा होगा सर यह क्या किए आप, कुछ समझ में नहीं आया। चलिए हमको भी पता है कि अब आपको यह जो है समझ में नहीं आया कि सर आपने ऐसा कैसे लिख दिया, तो देखते हैं कि इस व्हाट का जवाब क्या होगा। चलिए अब ज़रा विचार कीजिए कि आपसे हमने एक बात पूछा कि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 परस्पर एक दूसरे से r दूरी पर हवा में रखे गए हैं, यानी हवा में दूरी कितनी है r है, या हवा में रखे गए हैं, ठीक है, और इनके बीच का जो विद्युत बल है वो कितना कुछ लग रहा है F है, हवा में विद्युत बल कितना कुछ लग रहा है F। अब हमने क्या किया कि दोनों बिंदु आवेशों को एक माध्यम में रख दिया, दोनों बिंदु आवेशों को किस में रख दिया, एक माध्यम में, जिसका परावैद्युतांक कितनी है तो के है,
चलो के ही लिख लो, के ही फेमस है। तो अब क्वेश्चंस में आपसे यह पूछा जाएगा कि अगर दोनों बिंदु आवेशों को Q1 और Q2 को अगर माध्यम में रख दें तो बताइए अब इन दोनों के बीच का दूरी माध्यम में कितनी अगर हो जाए कि इनके बीच का जो लगने वाला माध्यम में जो बल है, जो माध्यम में जो इनके बीच लगने वाला बल है वह हवा में लगने वाले बल के बराबर हो, तो उसके लिए आपको जो इनके बीच का दूरी है अगर r माध्यम कह दें तो r माध्यम क्या होनी चाहिए। r माध्यम में दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या रखें कि इनके बीच जो लगने वाला बल है उतना ही हो जितना हम लोगों को हवा में लग रहा था, यानी अगर हवा में लग रहा था कुछ f तो माध्यम में भी उसका मान कितना है, कुछ f है। तो बताइए r माध्यम क्या हो जाएगा। तो अगर आप इस सवाल को बना लोगे तो आपको यह मिल जाएगा कि जो माध्यम में जो दूरी है तो हवा में वह समतुल्य दूरी कितने के बराबर होगी कि जिससे दोनों के बीच का जो बल होता है समान होता है। तो हम लोग रिप्लेस करना सीख जाएंगे। तो ये बहुत ही इजी चीज़ है। तो देखो इसको क्या कर लोगे, इसको क्या कर लोगे कि एफ हवा अब बराबर एफ क्या कर लिया हमने माध्यम, तो एफ हवा बराबर क्या लिखोगे तो बताओ 1/4πε0 Q1 Q2 का मॉड और बटा में कितना R जो हवा में दूरी था उसका स्क्वायर, ठीक है। E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू माध्यम का परिवर्तन कितना है, कुछ K है सर, बड़ी K, इसको आप एप्सिलॉन R भी लिख सकते हो। यहाँ पर K लिखो या एप्सिलॉन R दोनों एक ही बात है। अब क्वेश्चंस क्या पूछेगा अब हमको नहीं पता है कि K दे देगा कि एप्सिलॉन R दे देगा, जनरली K देता है तो K हमने लिखा। इसके बाद Q1 Q2 का जो मॉड है अब बटा में R जो है माध्यम में जो दूरी जिसको हमको ज्ञात करनी है इसका वर्क कर लिया। इसके बाद जो कट रहा है उसको काट दो, जो मर रहा है उसको मरने दो, तो 4πε0 मर गया, Q1 Q2 खत्म हो गया। तो आपको यहाँ पर बचा क्या बताओ, तो 1/ हवा में जो दूरी था दोनों बिंदुओं के बीच उसका वर्ग बराबर 1/ माध्यम का परावेतांक अगुने माध्यम में जो हम लोगों का दोनों बिंदु आवेशों का बीच का जो दूरी था कि जिससे बल हवा में और माध्यम में समान हो तो उसका वर्ग है हम लोगों का। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको अगर तिरछा तिरछी करें तो r जो हवा का वर्ग है वो बराबर हो जाएगा k इंटू r जो माध्यम के वर्ग के, ठीक है। तो इस तरह से आपको r जो हवा में है वो बराबर हो जाएगा कितना के, इसका वर्गमूल कर ले तो √k इंटू r कितना हो गया माध्यम में। देखिए यह हमारे पास एक खूबसूरत रिजल्ट मिल गया, एक खूबसूरत रिजल्ट मिल गया कि हवा में हम लोगों का जो समतुल्य दूरी होगा वो बराबर होगा माध्यम के परावेतांक का वर्गमूल और गुणे माध्यम में दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। या आपको अगर r माध्यम निकालनी है तो हवा में जो दूरी था उसमें √k से भाग दे दो, यानी अगर हमको अगर r सर माध्यम निकालना है तो हम क्या करेंगे बताओ, r हवा और बटा में √k। तो आपके पास ये दोनों रिजल्ट है, दो बिंदु आवेश कुछ r दूरी पर हवा में रखे गए हैं, अब उनको k परावेतांक के एक माध्यम में कितनी दूरी कैपिटल R पर रख दी जाए कि हवा और माध्यम में जो लगने वाले उस पर विद्युत बल है आवेशों के बीच वो समान हो। तो इसका मतलब है कि माध्यम में जो हम लोगों का दूरी हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा हवा में जो दूरी था उसमें √k से क्या कर दो भाग दे दो। तो ये बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट मिल गया आप लोगों के पास, जो रिजल्ट मिल गया तो रिजल्ट में क्या हो गया कि R जो हम लोगों को हवा में होता है, हवा में जो समतुल्य दूरी है वो बराबर होती है माध्यम का परिवर्तन का वर्गमूल अगुने माध्यम की दूरी का गुणनफल, ठीक है। यह हम लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट केस मिल गया। चलो अब इसका यूज करके हम लोग अपने केस पर आते हैं। तो हमारा यही ना था क्वेश्चन, हमारा यह था कि सर हमारे पास Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश हैं और हवा में उनके बीच का जो दूरी है कितनी है, कुछ r है, कहाँ पर हवा में, वायु में या निर्वात में, हवा भी दे देगा क्वेश्चन में, उसको वायु भी कहता है, हवा वायु तो एक ही चीज़ है, या इसको निर्वात भी कह सकता है।
ये सब तीनों एक ही चीज है। ठीक है, अब क्वेश्चंस में कहा गया कि अब इसके बीच दोनों बिंदु आवेशों के बीच एक हमने क्या किया कि के परावैद्युतांक का एक माध्यम रख दिया जिसकी हम लोगों को जो मोटाई है कुछ टी है। पूरा हवा को हटाकर माध्यम नहीं रखा गया, दोनों क्यू वन क्यू टू को पूरे माध्यम नहीं रखा गया, बस कुछ उसके जो भाग है जो टी थिकनेस का ही माध्यम इसके बीच रख दिया गया। तो अब पूछा गया कि बताइए कि अब सर दोनों के बीच का हम लोगों को जो विद्युत बल है वो अब हम लोगों को क्या हो जाएगा। नहीं ना, आपका सवाल था जो लिखे थे तो आप कहे कि समझ में नहीं आया सर। तो ऐसे सवाल में आप पहले आप ऐसा कर लो कि जो हम लोगों को माध्यम है उसको आप किसी एक को रख लो। किसी एक को रखने से हो जाएगा कि आपको बचा कि अब आर में हवा में दूरी कितनी बच गई। तो हम लोग क्या किए कि इसको जो हमारा टी थिकनेस था उसको हमने Q2 की तरफ घसका लिया। आप Q1 की तरफ भी घसका सकते हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। हमने कहा कि इसको ऐसे कुछ घसका दिया, Q2 किसे सटा के रख दिया, परावैद्युतांक इसका कितना था कुछ के था। तो अब बताओ हवा में दूरी इसकी कितनी हो गई है, यह हवा में जो दूरी है वो कितना रह गया। तो जो हवा में दूरी रह गया वो कितना के बराबर होगा बताओ। तो आर में से टी क्या कर जाएगा, घट जाएगा, आर में से टी घट जाएगा। हमने क्या किया कि जो हमारा माध्यम था टी मोटाई का के परावैद्युतांक का उसको हमने क्यू वन या क्यू टू की तरफ घसका देते हैं। उससे क्या हो जाएगा कि आप लोगों का थोड़ा सा देखने का नज़रिया बदल जाएगा कि अब हवा में दूरी कितना बच गया, तो आर माइनस टी। तो हमने क्या किया इसके माध्यम को कुछ क्यू टू की तरफ सटा के रख दिया। तो बताओ हवा में कितना हो जाएगा, पहले आर था तो आर में से टी घट गया दिमाग में। अब आपको यह सोचना होगा कि ये सर अगर माध्यम को हटा दें तो ये जो दूरी माध्यम में है टी मोटाई का हवा में कितनी दूरी के समतुल्य हो जाएगी। तो पहले हम लोगों को इतना दूर, हम लोगों का हवा में दूरी ऑलरेडी कितनी थी आर माइनस टी, यह हवा में दूरी थी, यह क्या है माध्यम है। अब इस माध्यम को रिप्लेस करना है किससे, हवा से। इस बात को पकड़ो, माध्यम को हटा के क्या करना है, हवा करना है। तो अगर हवा करना है तो बताइए इसको भी माध्यम का हटा को अगर हवा करना है तो यह दूरी कितनी हो जाएगी। तो सिंपल, हवा में जो समतुल्य दूरी हो जाएगी, माध्यम के समतुल्य जो हवा की दूरी हो जाएगी बराबर हो जाएगी माध्यम का परिवर्तन का वर्गमूल। तो यहाँ पर लिख देते हैं रूट के इंटू माध्यम की दूरी, यानी माध्यम की थिकनेस कितना है टी। तो इस तरह से कुल मिलाकर अब हमारे Q1 और Q2 के बीच हवा में दूरी कितना हो गया, तो R माइनस टी प्लस रूट के इंटू टी। तो इस तरह से अब हमारे पास जो इसका बल है वह F विद्युत बल बराबर लिख सकते हैं वन बटा में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हवा, सिर्फ अब हवा रह गया तो वन बी फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 का अपना मोड ले लीजिए बटा में, अब हवा में दूरी कितनी हो गई उसका वर्ग कर लो, तो R माइनस टी प्लस रूट के इंटू टी का और आया कि नहीं आया सर, आ गया। और बात समझा कि हम ऐसा क्यों लिख पाए। तो इसके लिए हम लोगों का जो मेन हथियार था यह था। तो ये हम लोगों को अब डायरेक्ट आप क्वेश्चंस बनाने में यूज कर सकते हैं। हम लोग इस पर सवाल देखते हैं कि किस तरह से हम लोगों को पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन नमेरिकल वैल्यू करके। ऐसे भी हम लोग को पूछा जाएगा डायरेक्ट रिजल्ट हो जाएगा, तो आप यहाँ से लिख सकते हो डायरेक्ट फॉर्मूला में पूछा जाता है, या कॉम्पिटिटिव। ये जनरली हम लोग एयरफोर्स SSR JEE मेंस और नीट के लिए आपको बेस तैयार कर रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा वाला। ये आपको NCERT में इस तरह का डिस्कशन नहीं दिया गया है। तो देखिए अब आपको एक हमने क्वेश्चन पूछा, अब आपको हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं। आपको क्वेश्चन में यह दिया गया कि एक है प्लस तीन माइक्रोकुलम्ब और दूसरा है माइनस तीन माइक्रोकुलम्ब का बेस। आज दोनों का बीच का जो दूरी है, मान लीजिए कि हवा में कुछ 10 सेंटीमीटर है। अब क्या किया गया कि अब इनके बीच में एक माध्यम डाल दिए जिसका जो परावैद्युतांक है 4 है, और इनके बीच की दूरी हम लोग कितना हो गया कुछ 2 है, यानी हमारे माध्यम है
दोनों आवेशों के बीच एक माध्यम डाल दिया जिसकी मोटाई कितनी है 2 सेंटीमीटर है और इसका परिवर्तन कितना है कुछ 4 है। तो अब पूछ रहा है कि सर विद्युत बल क्या हो जाएगा, एकदम नया क्वेश्चन आप लोगों को लग रहा होगा सर अब विद्युत बल क्या हो जाएगा। तो सिंपल इस फॉर्मूला का यूज कर लो, ए बराबर तो अब बताइए कितना हो जाएगा, तो 1/4π0 तो कितना वैल्यू लिखेंगे 9×10⁻⁹ Q1 Q2 तो देखो माइक्रो कूलम है तो इसको कूलम में बदल दीजिए, तो 3 माइक्रो कूलम है तो कितनी हो जाएगी 3×10⁻⁶ गुना -3 का मॉड कितना हो जाएगा +3×10⁻⁶ मॉड ले लो Q1 Q2 का मॉड अब बट्टा में। अब यहाँ पर थोड़ा सावधानी रखना होगा मात्रक को लेके, दूरी क्या है सेंटीमीटर में है तो आर में से टी को घटा लीजिए तो 10 सेंटीमीटर - 2 सेंटीमीटर तो कितने हो जाएगा बता, 10 में से आप 2 ने सेंटीमीटर में घटा लीजिए। चलो दिमाग में है कि सेंटीमीटर में, इसको मीटर में बदलना है तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से भाग देंगे या 10⁻² से गुना कर देंगे प्लस रूट के तो √4 और गुना यह माध्यम के कितने 2 है यह सब सेंटीमीटर है तो अगर सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 10⁻² से गुना कर दिए। दिमाग रखना है सेंटीमीटर में था तो इसको मीटर में बदल के 10⁻² से गुना कर दिया यानी 100 से भाग दे दिए। अब इसके बाद इस दूरी का पूरा का क्या कर लेंगे हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो पूरा का पूरा आपको जब सब एसआई मात्रक में रखे हैं तो बल किस में मिल जाएगा न्यूटन में। अब इसको आप हल कर सकते हैं, अब हल तो आपको कुछ करना होगा तो 9 × 27 = 81 तो इसे लिख लेते 9×3 × 3 बटा में नीचे में कितनी हो जाएगी बताओ, ऊपर में भी 9×3×3 10⁻⁹ है तो 6×6 = 12 तो कितनी हो जाएगी बताओ -12 तो 10⁻²-12 + 9 - 3 नीचे 10 में से 2 = 8 √4 का 2 2×2 = 4 8×4 = 12 तो 12×10⁻²² यह न्यूटन हुआ। तो कुल मिला के आपको 9 × 27 = 81 और 12×12 = 144 और गुने 10⁻³ है -4 है ऊपर जाएगा तो कितनी हो जाएगी बताओ 10⁻³×10⁻²⁴ हो जाता +4 न्यूटन तो ये हो जाएगी आपको 81 × 10⁻⁸ = 810/144 न्यूटन। अब इसको आप हल कर सकते हैं ये बराबर कितना हो गया कर लीजिएगा। अब आपको हम एक क्वेश्चन पूछते हैं कि मान लीजिए कि 2 बिंदु आवेश Q1 और Q2 r दूरी पर एक धातु के गुटके में रखे गए हैं, ये धातु का क्या है गुटका है तो बताओ दोनों बिंदु आवेशों के बीच का बल क्या हो जाएगा, याद आ रहा कितना हो जाएगा यस सर कितनी हो जाएगी बताओ तो धातु के लिए परिवर्तन कितना होता है तो सर K = ∞ या इसको आप लोग εr भी कहते हो। तो धातु का जो हम लोगों का सापेक्षिक विद्युत चलता है या परिवर्तांक है वो कितना होता है अनंत होता है। तो इस तरह से अगर f हम लोग धातु की बात करें तो कितने लिख सकते थे तो 1/4π ε₀ × K × Q1 Q2 / r² उनके टू का मॉड भी ले सकते हैं। अब के जगह पर अगर इन्फिनाइट लिख दिया जाए इन्फिनिटी रख दें तो बताइए जो Q1 Q2 mod r² है तो इन्फिनिटी से भाग दे पर कितना हो जाएगा 0 यानी आपको तो याद है कि अगर सर दो बिंदु आवेशों को जो Q1 Q2 दो बिंदु आवेश और दूरी पर अगर एक धातु के गुटके में रखे गए हैं तो उनके बीच का जो विद्युत बल है हमेशा कितना होगा 0 है। इलेक्ट्रिसिटी में धातु में विद्युत बल नहीं लगते हैं इसके बीच। लेकिन अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर हम लोगों को पूरा धातु का गुटका ना देके अगर Q1 Q2 के बीच जो हवा में रखे गए हैं कुछ ही भाग में अगर हम लोगों को डाला जाए धातु गुटके को, देखिए यह आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें से आपको सिंपल दे दिया कि दो बिंदु आवेश Q1 Q2 r दूरी पर हवा में रखे गए थे, अब इनको पूरा माध्यम में धातु में ना रख के और माध्यम धातु ले रहे हैं, अब हमने क्या किया कि इनके बीच में कहीं भी एक पतला ही दे दे कि सर एक अब धातु या कोई चालक इनके बीच में रख दिया गया जिसकी मोटाई कितना है कुछ टी है तो अब बताइए सर कि बल क्या हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, हम लोग को हमेशा नीट वगैरह में पूछा भी हुआ है
और एयरफोर्स और SSR के लिए तो जान है, देखो क्या हो जाएगा। तो सिंपल से क्या हो जाएगा कि आप इसका यूज करो। तो धातु के लिए के का मान कितना होता है बता दीजिए, तो अभी बताया आपको इन्फिनिटी, इसमें के जब इन्फिनिटी रख देंगे तो F बराबर क्या हो जाएगी, तो 1/4π ε0 Q1 Q2 का मॉड बटा में R-T, तो R माइनस टी प्लस रूट के जगह पर रूट इन्फिनिटी अगुना कितना हुआ टी, अब पूरे का क्या हो जाएगा हम लोगों को वर्ग। अब बताओ इसको हल कर, तो रूट इन्फिनिटी का इन्फिनिटी अनंत का वर्ग करोगे, वर्गमूल करोगे तो अनंत ही हो जाएगा, अनंत में फिर किसी से गुना करेंगे तो अनंत हो जाएगा, फिर अनंत में किसी चीज़ से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा अनंत। बताइए यह अनंत गुना टी, तो यह भी आपको अनंत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अनंत में किस चीज़ से जोड़िएगा तो पूरे क्या हो जाएगा सर इन्फिनिटी भी हो जाएगा, इन्फिनिटी का वर्ग करोगे इन्फिनिटी भी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको साफ पता चल गया कि ए बराबर कितना हो गया सर 1/4π ε0 गुना Q1 Q2 का मॉड का इन्फिनिटी, Q1 Q2 का मॉड में इन्फिनिटी से भाग देंगे तो इन्फिनिटी से भाग देंगे कितना होगा जीरो, तो इस तरह से हमारा आंसर कितना हो जाएगा जीरो। तो इस तरह से आप एक बात दिमाग हमेशा रख लो कि अगर दो बिंदु आवेश Q1 Q2 पूरे अगर एक धातु के गुटके में रखे गए हैं तब भी उनके बीच का दूरी जो विद्युत बल होगा वो कितना होगा जीरो होगा। दो बिंदु आवेश अगर हवा में रखे गए हैं और उनके बीच पूरे में अगर धातु या चालक ना डाल के सिर्फ अगर कुछ थिकनेस में ही डाल दिया जाए तब भी हम लोगों को उस पर लगने वाला जो विद्युत बल होता है वह जीरो ही होता है। क्लियर, चलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना। एक ऐसा सर क्वेश्चन ले लेते हैं कि मान लो जो कि Q1 Q2 आपको दो बिंदु स्थित है हवा में रखे गए हैं, इनके बीच की दूरी कितनी हवा में कुछ आर है। अब क्या किया कि अब इसमें एक नहीं दो दो माध्यम डाल दिया, देखो एक माध्यम यहाँ पर डाल दिया, इसका परिवर्तन कितना है कुछ K1, ठीक है ना, इसकी हम लोगों का जो थिकनेस है कितना है कुछ हम लोगों को T1 दे दिया गया, एक दूसरा भी डाल दिया गया, एक दूसरा भी माध्यम डाल दिया, इसका भी परिवर्तन कितना है कुछ K2 और इसकी थिकनेस कितनी हम लोगों का कुछ T2। तो बोला कि अब सर विद्युत बल क्या हो जाएगा, तो क्या कीजिएगा, तो एकदम सिंपल से इलाज देखो कैसे लिखते हैं सर, F बराबर बोले लिखो 1/4π ε0 क्योंकि हम पूरे को अब हवा में करना चाहते हैं, इसको भी हवा के जगह पर हवा में दूरी कितना होगा हवा में दूरी कैसे होगा, तो देखो फिर Q1 Q2 का मॉड बटा में, बताइए पहले दोनों के बीच का दूरी हवा में कितना था R, माध्यम कितना में रखते थे T1 और T2 में, तो अब बताओ हवा में दूरी कितना बच गया था R में से T1 T2 जो माध्यम वाला दूरी है अगर उसको जोड़ के घटा दें तो ये हमारे पास हवा में दूरी आया कि नहीं आया, बिल्कुल ये हवा में जो दूरी अभी बचा हुआ है प्लस, इसके लिए समतुल्य हवा की दूरी कितनी हो जाएगी तो √K1 × T1, इसके लिए कितनी हो जाएगी तो √K2 × T2। अब पूरा जो यह हवा में दूरी आ गया आप इसका क्या कर लोगे तो सर वर्ग हो गया जो भी दिया जाए। एक और बात, अब दोनों में से T1 T2 दोनों माध्यम में से किसी एक को भी अगर धातु कर दिया जाए, अगर किसी एक को भी यदि इसमें कोई एक माध्यम भी धातु या चालक है तब F का मान जीरो हो जाएगा, क्यों रूट के अनंत डाल दोगे तो अनंत में अनंत जोड़ोगे तो सब नीचे वाले पर अनंत, अनंत से फिर भाग दोगे तो जीरो आ जाएगी, यह बात आप लोगों के दिमाग में रखनी होगी। तो चलिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद, नेक्स्ट में आपको हम लोग वीडियो में देखेंगे कि संतुलन पर आधारित प्रश्न, ठीक है।